तुझे सब है पता है। आज की कहानी आप सब लोगों को कुछ नया सिखा देगी। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक हथनी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हथनी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और सोच रही थी, बहुत ही जल्द मैं एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बेटा, जब तुम बाहर आओगे तो दुनिया बहुत सुंदर मिलेगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। अपने बच्चे से बस यूं ही बात करते करते वो हथनी सो गई। कुछ घंटों बाद, माँ माँ उठो, मुझे भूख लग रही है माँ। हथनी को भूख लगने लगी और वो इधर उधर खाना खोज रही थी और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्वार्थी इंसान उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। उसने इंसानों पर भरोसा किया और जिसने जो भी दिया उस हथनी ने वो खा लिया। उसी में से कुछ निर्दयी इंसान ने उसे एक अनानास खिलाया। हथनी भूखी थी, उसने फटाफट वो अनानास एक बार में खा लिया। जैसे ही हथनी ने वो अनानास खाया, उसके मुंह में पटाखे फट गए। हथनी बहुत तकलीफ में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र हुई, क्या मेरा बच्चा बचेगा, क्या उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने न जाने कैसे इंसानों पर भरोसा कर लिया। मुझे लगा वो भी हमारी तरह होंगे, एक दूसरे का दर्द समझते होंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। हथनी बहुत कष्ट में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकली। वो दर्द के मारे तड़प रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में भागते हुए हथनी की मदद किसी ने नहीं की। वो भागते भागते वापस अपने जंगल में पहुंची और वहां एक तालाब के किनारे पानी के अंदर चली गई। पानी में आने की वजह से उसे पटाखों से हुए जलन और दर्द में राहत मिली। 2-3 दिन तक हथनी उसी पानी में वैसी ही खड़ी रही। उसका मुंह पूरी तरह से घायल हो चुका था, वो कुछ भी खा या पी नहीं सकती थी। पेट में पल रहा बच्चा बुरी तरह से भूख से तड़प रहा था। हथनी भी अब कमजोर हो रही थी। तब वन के अधिकारियों ने घायल हथनी को पानी से बचाने के लिए उसकी चोट का इलाज करने का योजना बनाई। हथनी बहुत तकलीफ में थी, वो अपने बच्चे से मन ही मन बात कर रही थी। बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या हुआ कि मेरे साथ एक धोखा हुआ। दुनिया फिर भी बहुत प्यारी है, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तुम इधर उधर भागो खेलो, मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे लगता है कि ये फल मुझे मार देगा। हथनी के अंदर से आवाज आई, माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? माँ, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्या हो रहा है माँ? माँ, माँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, गर्भवती हथनी पानी में खड़े होकर दर्द से अपनी लड़ाई हार गई और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। एक इंसान की गलती की सजा एक गर्भवती हथनी को, उसके बच्चे को और उसके सारे सपनों को मिली। एक तरफ जिन्हें हम गणेश जी का स्वरूप मानकर पूछते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए उस गणेश स्वरूप हाथी के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? इंसान ये क्यों नहीं समझ पाया कि वो बेजुबान जानवर, उसमें भी एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। हम अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं कि शायद ये बात भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया पर पशु पक्षियों का है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप जरूर कुछ सीखेंगे और आगे से जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति थोड़ी इंसानियत दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।